है हमारा। हेलो एवरीवन, तो फ्रेंड अगर आप भी चाहते हैं इस तरह का स्काई चेंज वाले वीडियो बनाना वो भी डबल रोल के साथ, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है क्योंकि ये वाला वीडियो आपका इंस्टाग्राम रील्स में बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है और आप समझ ही गए होंगे कि मैं आपको आज के इस वीडियो में इस वीडियो का ट्यूटोरियल बताने वाला हूँ। अच्छा, इसमें आपको शूटिंग कैसे करनी है, फिर इसका एडिटिंग करनी है वो भी डबल रोल के साथ, वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो का आप पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि मैंने इस वीडियो में आपको सब कुछ स्टेप बाय स्टेप पूरा बताया हूँ। अभी मजा आएगा ना वीडियो। और दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना, जिससे कि आपको हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड सबसे पहले आपको काइनमास्टर एप्लीकेशन में जाना है, उसके बाद आपको प्लस का आइकन दिख रहा है उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपने वीडियो के साइज के हिसाब से एस्पेक्ट रेशियो को सेलेक्ट कर लेना है। मैं 9:16 सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपके सामने मीडिया का ऑप्शन आएगा। मीडिया पे जाकर जो भी वीडियो आपने रिकॉर्ड किया हुआ है उस वीडियो को लेकर के आना है। आपको दो तरह का वीडियो रिकॉर्ड करना है, वो कैसा करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले देखिए, पहले वाला रिकॉर्डिंग में आपको क्या करना है, आपको पहले ऐसे आना है, ठीक है, ऐसे थोड़ी एक्टिंग कर लेनी कि जैसे आपने सूरज उठाया, फिर आपको ओला ऊपर फेंक देना है, ठीक है। ये पहला क्लिप हो गया। फिर दूसरे वाले क्लिप में क्या करना है, आपको आना है यहाँ पे, ठीक है, फिर आपको ऐसे आपने जैसे सूरज को कैच कर लिया, ठीक है, उसके बाद आपको उसको भी फेंक देना है ऐसे, ठीक है, फिर आपको चलना है, बस उतना ही आपको रिकॉर्डिंग करना है, ठीक है। ये वाला क्लिप मैं पहले डिलीट कर देता हूँ। अभी आपका जो इस वीडियो का स्टार्टिंग पार्ट है और एंडिंग पार्ट है उसको पहले डिलीट कर दीजिए। मैं इसको जल्दी से ट्रिम कर देता हूँ। जो आपका काम करने है उसको हटा दीजिए। देखिए अभी ये आने वाला है, उससे पहले का इसको सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पर ट्रिम पर जाइए, ट्रिम टू लैपटॉप प्ले हिट कर दीजिए, ओके कीजिए। फिर यहाँ पर आपका फिनिश हुआ इतना में, ठीक है, यहाँ पर ट्रिम पर जाइए, ट्रिम टू राइटॉप प्ले हिट कर दीजिए, ठीक है, ये इतना पार्ट हो गया। उसके बाद अभी आपको क्या देखना है कि आपने जब ये फेंका है, ठीक है, फेंक करके इधर पर थोड़े से आ गए हैं, तो इधर पे आने के बाद आपको लेयर पर जाना है, मीडिया पे जाना है और जो दूसरा वीडियो क्लिप है उसको लेकर के आना है, ठीक है। मैं लेकर के आ जाता हूँ। देखिए दूसरा वाला वीडियो क्लिप आ जाने के बाद आपको क्या करना है, इसको सबसे पहले यहाँ पे इस बीच वाले में जाना है, फिर इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। इसको यहाँ पे थोड़ा सा सेट कर दीजिए आप, हल्का सा हटा के, ठीक है। इतना होने के बाद इसको ओके कीजिए, ठीक है। उसके बाद आगे आइए, फिर यहाँ पर आपको ब्लैक कलर का बैकग्राउंड लेकर के आना। मैं पहले लेकर के आ जाता हूँ। ये बैकग्राउंड आने के बाद आप इसको वीडियो क्लिप के हिसाब से थोड़ा बड़ा कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे वापस सेकंड वाले लेयर पर आना है, ठीक है। आपका ये वाला वीडियो यहाँ पे खत्म हो रहा है, ठीक है, पहले वाला वीडियो का, ठीक है। यहाँ पर आप इसको सेकंड वाले लेयर को सेलेक्ट कीजिए, ट्रिम पर जाइए और स्प्लिट एट प्ले हेड कर दीजिए, ठीक है। इतना होने के बाद आपका जो नीचे वाला लेयर है वो दो वीडियो क्लिप में डिवाइड हो गया है। अभी आपको क्या करना है, इस वाले लेयर को सेलेक्ट करना है और यहाँ पर स्प्लिट पर जाइए, इसको फुल कर दीजिए, ओके कर दीजिए। अभी देखिए आपका वीडियो कैसा बन के रेडी हुआ है, देख लीजिए, अभी ये आपका डुप्लीकेट बन चुका है, ठीक है, देखिए, ठीक है, बन गया ये डुप्लीकेट। अभी आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर सेव वाले बटन पर जाके इसको पहले एक्सपोर्ट कर लेना है, ठीक है। अब हम लोग वापस से न्यू प्रोजेक्ट पे जाएंगे, उसके बाद 9:16 को सेलेक्ट कर लेंगे। वापस से मीडिया का ऑप्शन आएगा, उस पर आपको जो अभी आपने एक्सपोर्ट किया उस वीडियो को लेकर के आ जाइए। देखिए ये वाला वीडियो आ जाने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, ये आपका डुप्लीकेट वाला वीडियो आ जाएगा, तो उसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आगे जाइए थोड़ा, आपने ये वाला कब उठाया है, ठीक है, आपको ये देखना है कि आपने सूरज को कब उठाया, ठीक है। यहाँ पर आपने उठाया है, जब आप उठाते हैं उसी टाइम पे आपको यहाँ पर स्प्लिट पर जाना है, स्प्लिट एट प्ले हिट कर दीजिए, ठीक है, ओके कीजिए। उसके बाद आप नीचे दूसरा ये देखना है कि आपने इधर पर कब आया, ठीक है, आए और उसके बाद आपने ये वाला सूरज कब फेंका, ठीक है, ये अभी फेंका ये टाइम में, ठीक है। यहाँ पर आके इसको सेलेक्ट कीजिए, स्प्लिट पर जाइए और स्प्लिट एट प्ले हिट कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको बीच वाले लेयर पर आना है, ठीक है, जहाँ आपका डुप्लीकेट दोनों आ रहा है, तो यहाँ पे जाके आपको सबसे पहले कलर फिल्टर में जाना है, ठीक है, बेसिक पे जाइए, फिर सबसे नीचे में जाइए, यहाँ पर आपको मिल जाएगा E34, ठीक है, B34 सॉरी, ठीक है, तो इसको सेलेक्ट कीजिए, इसको ओके कर दीजिए, ठीक है। आपका इतना हो जाने के बाद आपको क्या करना है, इसको वापस से सेलेक्ट करना है, एडजस्टमेंट में जाना है, उसके बाद ब्राइटनेस को आप यहाँ पे कम कर दीजिए, कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा दीजिए और सैचुरेशन को भी बढ़ा दीजिए, इसके बाद आप ओके कर दीजिए। ये होने के बाद आपका ये वाला और एक प्रोजेक्ट भी रेडी हो गया है। इतना हो जाने के बाद आपको इस सेव वाले बटन पे जाके इस प्रोजेक्ट को भी एक्सपोर्ट कर लेना है, ठीक है।
मैं आपको और एक चीज बता देना चाहता हूँ, अगर आप ये वाला रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं तो आप पूरा ऊपर से नीचे ब्लैक कलर का ड्रेस पहने रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर आप ब्लैक कलर का ड्रेस ही पहना रहेंगे तो आपका ये क्रोमा की ये काइन मास्टर में इजीली हो जाएगा, लेकिन मेरे से ये नहीं हुआ करके मैं आपको अब दूसरे वीन एप्लीकेशन करके है उसमें जाके इसका क्रोमा की करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड अब हम लोग वीन एप्लीकेशन में जाएंगे, उसके बाद आपको प्लस का आइकन दिख रहा है उस पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट दिख रहा है उस पर क्लिक करना है, उसके बाद आपके सामने यहाँ पर वीडियो का ऑप्शन आएगा, अभी अभी जो भी वीडियो आपने एक्सपोर्ट किया हुआ है उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। देखिए ये वाला वीडियो आ गया है, अभी ये वाला वीडियो आने के बाद सबसे पहले आपको ये ब्लैक कलर का बैकग्राउंड है उसको डिलीट कर देना है, ठीक है। इतना होने के बाद आपका जो ग्रीन वाला भाग है, ये ग्रीन वाले भाग को आपको अलग कर देना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर जब आपका ग्रीन आएगा यहाँ पर आइए, ठीक है, इसको स्प्लिट कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भी आपका जब भी ग्रीन आएगा, ग्रीन हटेगा, सॉरी देखिए ग्रीन हटा, इसको स्प्लिट कर दीजिए, ठीक है। अभी जो बीच वाला भाग है वो ग्रीन वाला भाग ही है, तो अभी आपको क्या करना है, इधर पर आना है और यहाँ पर आपको नीचे में पीआईपी का ऑप्शन दिख रहा है, पीआईपी का ऑप्शन में जाके आपको उस इमेज को लेकर के आना जो नाइट वाला इमेज है, उस नाइट वाले इमेज का लिंक भी मैं आपको अपने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, मैं उसको सेलेक्ट करके आता हूँ। पहले देखिए ये वाला इमेज आने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, आपका ये ग्रीन वाला भाग है उतना तक आपको इसको बढ़ा देना है, ठीक है। ये हो जाने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर क्रॉपिंग करना पड़ेगा इसका, ठीक है। ये क्रॉप में जाइए, ठीक है, फिर यहाँ पर 4:5 को सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। फिर आप अपने हिसाब से इसको सेट कर दीजिएगा, मैं अपने हिसाब से थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ, ठीक है। इतना सेट होने के बाद आप इसको ओके कर दीजिए, फिर आप इसे जूम कर दीजिए, ठीक है, इसको ऊपर ले जाइए, आप अपने हिसाब से सेट कर दीजिएगा, ठीक है। इतना हो जाने के बाद अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर वापस आना है, ठीक है, और इसका आपको डुप्लीकेट निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए आप इसको सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे फॉरवर्ड पर जाइए, ठीक है, इसका डुप्लीकेट आ गया है। अभी आपको क्या करना है, इसको वापस से सेलेक्ट करना है इस डुप्लीकेट वाले को और इसको भर दीजिए, ठीक है, इसको फिल करना पड़ेगा। आप नीचे में जाइए, फिल का ऑप्शन रहेगा, फिल कर दीजिए, ठीक है। अभी वाला आपका फिल हो चुका है, अब आपको क्या करना है, इसको वापस से सेलेक्ट करना है और इसका क्रोमा की करना पड़ेगा, ठीक है। इसका नीचे में जाइए, यहाँ पर क्रोमा की, ये देखिए क्रोमा की है, ये जो आपका ई वाला है इसको आप इधर पर रख दीजिए, ठीक है, इंटेंसिटी थोड़ा बढ़ा दीजिए, आपका ये हट जाएगा, देखिए सब हट गया। ये आपका सब हट जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ओके कर देना है, ठीक है। आपका जो बीच वाला भाग है, ठीक है, जो ग्रीन वाला भाग था उसमें स्काई चेंज हो गया है। अभी आपको इसको सेलेक्ट करना है, ठीक है, जो ऊपर वाला लेयर है इसको सेलेक्ट करना है। ये सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे में जाना है, फिल्टर में जाना है, ये सबसे लास्ट साइड में जाइएगा जो ब्लू कलर का आपको उसमें मिलेगा, ठीक है, यहाँ पर आपको P7 करके मिल रहा है, उस पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। ये हो गया है, अभी आप देखिए आपका वीडियो कैसा बनकर रेडी हुआ, देखिए ठीक है, ये ब्लू में बदल गया, ठीक है। इतना हो जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर एक्सपोर्ट वाले बटन पे जाके यहाँ पर आप अपने वीडियो के क्वालिटी के हिसाब से 1080 कर दीजिए, 60fps कर दीजिए, हाई कर दीजिए और इसको ओके करके सेव कर दीजिए, ठीक है। अब हम लोग वापस से जाते हैं काइन मास्टर एप्लीकेशन में, अब हम लोग वापस से काइन मास्टर एप्लीकेशन में आएंगे, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट में क्लिक करेंगे, 9:16 सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट कीजिए। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर मीडिया का ऑप्शन आएगा, जो भी आपने अभी अभी एक्सपोर्ट किया वीडियो को उस वीडियो को लेकर के आ जाइए। देखिए ये वाला वीडियो आ जाने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, आपका जब ये कलर चेंज हो रहा है, ठीक है, इसको यहाँ पे स्प्लिट कर देना, ठीक है, इधर पे कलर चेंज हो रहा है, सेलेक्ट कीजिए, ट्रिम पर जाइए और स्प्लिट इट प्लेहट कर दीजिए, ठीक है। फिर यहाँ पर भी आपको वैसे सेम करना है, कलर जब चेंज होगा सेलेक्ट कीजिए, ट्रिम पर जाइए, स्प्लिट इट प्लेहट कर दीजिए, ठीक है। इतना होने के बाद अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे आगे में आना है, फिर यहाँ पर लेयर पर जाना है, मीडिया पर जाना है, फिर यहाँ से आपको स्काई का इमेज लेकर के आना है, उसका लिंक भी मैं आपको अपने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है, मैं उस इमेज को लेकर के आता हूँ। देखिए ये वाला इमेज आने के बाद आप सबसे पहले इसको रोटेट कर दीजिए, ठीक है, उसके बाद आप इसको जूम कर दीजिए, ठीक है, अपने हिसाब से जूम कर दीजिएगा, जूम हो गया। जूम होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर नीचे में जाना है, ब्लेंडिंग पर जाना है, फिर आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, ओके हो गया, ठीक है। अभी आपको इसको थोड़ा आपका इस वीडियो के हिसाब से बढ़ा देना, ठीक है, ये क्लिप आपका कब तक है उतना आपको इसको भी रखना है, ठीक है। फिर सेम इसका हमें डुप्लीकेट चाहिए रहेगा, इसको 3 डॉट पर जाइए, डुप्लीकेट निकाल दीजिए, ठीक है। ये सेम वाला भाग इसको आप यहाँ पर खींच के ला दीजिए, ठीक है, इसको भी आप यहाँ पर सेट कर दीजिए, मैं जल्दी से सेट करता हूँ, इसको सेलेक्ट करके वीडियो क्लिप के हिसाब से इतना बड़ा कर दीजिए, ठीक है।
इतना तो हो गया। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर वापस लेयर पर जाना है, मीडिया पर जाना है, फिर वहाँ से आपको सन का पीएनजी लेकर के आना है। उस सन का पीएनजी का लिंक भी मैं आपको अपने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है? मैं लेकर के आता हूँ। देखिए, आपका सन का पीएनजी आने के बाद आपको यहाँ पर ब्लेंडिंग पर जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पर सबसे पहले इसे स्क्रीन कर देना है, ठीक है? फिर आप इसको यहाँ पर अपने हिसाब से बैठा दीजिएगा, आपके एक्टिंग के हिसाब से, ठीक है? इसको सेलेक्ट कीजिए, आपका वीडियो क्लिप जितना बड़ा है उतना आप कर दीजिए पहले इसको, ठीक है? देखिए, इतना होने के बाद आपका अभी मेन जो काम है अभी चालू होगा, ठीक है? आपको यहाँ पे पहले सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है? आपके कब चेंज हुआ स्काई, ठीक है? इधर ओके कीजिए, सन वाले पीएनजी को सेलेक्ट कीजिए, ठीक है? फिर यहाँ पर आपको की वाले बटन पर क्लिक करना है, ठीक है? फिर यहाँ पर पहले प्लस करना है, उसके बाद आपका हाथ का मूवमेंट जैसे जैसे होगा वैसे वैसे आपको स्काई को सन को भी ऊपर कर देना है, ठीक है? देखिए ऊपर हुआ, ठीक है? वापस से आपका और थोड़ा आगे जाएगा, पीछे गया, नीचे गया, तो वापस से इसको नीचे कर दीजिए, ठीक है? वापस से आपको, देखिए अगर आपको होने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप इसको जूम कर दीजिएगा, ठीक है? देखिए ऐसे जूम करने से आपका इजी से हो जाएगा, ठीक है? देखिए अभी वापस आप यहाँ और नीचे किए, तो इसको और नीचे कर दीजिए, फिर ऊपर उठा के फेंकेगा आप, फिर और नीचे गया, और नीचे कर दीजिए, ठीक है? वैसे वैसे मैं आपको जल्दी से करके बता देता हूँ, नहीं तो ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है? तो दोस्तों देखिए, अभी मैंने ये वाला पूरा ऐसा बना दिया है, ठीक है? ये बन जाने के बाद आपको अभी क्या करना है, आपको इसमें कोई सा भी म्यूजिक लगा देना है। पहले आप एक बार प्ले करके देख लीजिए, देखिए ठीक है दोस्तों, ये हो जाने के बाद आपको इसमें कोई सा भी म्यूजिक लगाना है लगा सकते हैं आप, ठीक है? म्यूजिक लगाने के लिए आप यहाँ पर ऑडियो पे जाएगा, फिर वहाँ पे सॉन्ग पे जाके कोई सा भी म्यूजिक लगा दीजिएगा, ठीक है? और आपका पूरा वीडियो बन जाने के बाद आपको क्या करना है, इसे वाले बटन पे जाके इसको एक्सपोर्ट कर लेना है, ठीक है? तो दोस्तों आई होप आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया रहेगा, और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना, जिससे कि आपको हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।